इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर के शंकर ने पाकिस्तान साइड कश्मीर को लेकर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया। एवरी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दिस कंट्री इज कमिटेड टू एंश्योर पीओके व्हिच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया रिटर्न्स टू इंडिया। दिस एक्चुअली इज आवर नेशनल कमिटमेंट। मैं समझता हूं मेन इंटरेस्ट चाइना का, चाइना जितना हमारा साथ दे सकता कश्मीर को मर्ज करने में। और स्टांस और उन लोगों का काबिले कबूल होता है जो हुजूर होते हैं। जब पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा नहीं होगा तो इनके स्टांस की कौन सी अहमियत है? आप जितना मर्जी स्ट्राइक कर लें, आप लोग केएफसी का बायकॉट कर लें, आप लोग मैकडोनल्ड का बायकॉट कर लें, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने। आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया तो यहाँ पे ऐसे हुई बात कि जैसे पता नहीं हम क्या कर देंगे, हुआ कुछ भी नहीं, बात खत्म हो गई। अब उनके फॉरेन मिनिस्टर ने यह बोला है कि जब पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी अपना जो हमारा हिस्सा है उसे हम लेंगे वापस। क्या ऐसा? बहरहाल इतना भी नहीं, पाकिस्तान इतना भी गया गुजरा नहीं है, हमारे पास भी आर्म्ड फोर्सेस है। अच्छा, और इतने सालों से हम लोग, ये हमारा तब नहीं कुछ कर सकते जब 47 में मजाद हुए थे, तब पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं था। 65-71 वो बहुत पीछे रह गए। 71 में जो वाकया हुआ हो गया है, वो सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन उसमें आपस में क्लैशेस थे ना। लेकिन पाकिस्तान के क्यों है, वही हद तक कंट्रोल है, उस वक्त हद तक मजबूत है, तो वो अपने मुल्क का दिफा कर सकती है। नहीं है आर्मी को जितना मर्जी बुरा कह लें वो लगा बात है, लेकिन उसमें इतनी पावर है कि कर सकती है। लेकिन अभी तो मसला कश्मीर का जो हम सुनते आ रहे थे काफी अरसे से कि कश्मीर आजाद होगा, आजाद क्या होना है, हार यानी कि जो हमारे हुक्मरानों ने खुद ही हार से उनको दे दिया। ठीक है, दे दिया, दे दिया हुआ है ना। इंडिया वाले तो नहीं जाने दे रहे ना, वो तो कह रहे यही हमारी जगह है, हम इसको नहीं जो है। उनके उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी रिसेंटली स्टेटमेंट भी दिया, उन्होंने यही बोला है कि भाई कश्मीर पाकिस्तान साइड कश्मीर, जैसे हम इंडिया साइड कश्मीर को हमें बुक्स में ये बताया जाता है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, वैसे ही वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वो कहते हैं कि हम पीओके को जल्दी अपना हिस्सा बनाएंगे। अगर कोई कुछ नहीं करेगा, जैसे पाकिस्तान है जो अकवामी मुत्तहिदा के साथ मिलके दूसरे कंट्रीज के साथ कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं करेगा, तो जाहिर है उन्होंने अपना तो इकदाम करना ही करना। उन्होंने इंडिया वालों ने ये बताएं कश्मीर के मामले में कितने इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान के साथ खड़े? मेरा तो ख्याल है कि कोई भी नहीं खड़ा हुआ मेरा ख्याल नहीं, सऊदी अरेबिया कोई कंट्री, सऊदी अरेबिया वो जैसे खड़े हुए हैं पर वो ओपनली कोई स्टेट नहीं, बस नॉर्मली है, वो कोई सीरियस नहीं है कोई भी इस मामला। ठीक हो गया, 76 साल से जैसे कश्मीर का इशू चलता आ रहा है, आपको लगता है कि इशू हल होने की तरफ आएगा या हम लोग कुछ ऐसा करेंगे दोनों साइड से ये मामला हल होने की तरफ आएंगे, या ऐसे ही जैसे सुनते आ रहे हैं वैसे ही सुनते चले जाएंगे? 76 साल से अभी तक हम जब छोटे छोटे हम होते थे तब से सुनते आ रहे कश्मीर आजाद होगा, अब हम बूढ़े हो जाएंगे तब यही सुनेंगे कश्मीर आजाद, तो मेरा नहीं ख्याल की आजाद होगा। ठीक है, अब तो ये सवाल उठने लग पड़ा है कि कौन सा कश्मीर आजाद होगा, इधर वाला या उधर वाला, कि पाकिस्तान का जो स्टांस है कश्मीर को लेके उसके ऊपर और इंडिया का जो स्टांस है कश्मीर को लेके, आप सबसे पहले ये बताएं उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, फिर उसके ऊपर आगे हम बात करते हैं। कश्मीर के लिए हम लोग जो हैं वो सिर्फ सियासत की ही बात कर रहे हैं, कश्मीर को लेकर हम सिर्फ इतना कहेंगे कि पाकिस्तान जो है अगर हम इकोनॉमिक फोरम पे बात करते हैं तो सिर्फ कागजी कार्रवाई पर है, सियासत के लिए, सियासत के लिए, बस सियासत के लिए, या अपनी दौलत के लिए है या अपनी कुर्सियां बचाने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात है, कश्मीर से बड़ी मोहब्बत है कश्मीर, आके आप पाकिस्तान को कश्मीरियों से मोहब्बत नहीं, कौन सी मोहब्बत है पता नहीं, किस किस्म की मोहब्बत है, ये सिर्फ ये एहतजाज कर लेना या झंडे लहरा लेना, ये मोहब्बत है नहीं। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर है डॉक्टर जयशंकर, वो कॉन्टिन्यूसली एक चीज कह रहे हैं जो कि राजनाथ सिंह कहा करते थे कि जी आजाद कश्मीर जिसको भारत पीओके कहता है वो इंडिया का हिस्सा है, और ये एक बड़ी अहम चीज है कि कॉन्टिन्यूसली नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, राजनाथ सिंह ये एक ही चीज कह रहे हैं, और वो ये है कि कश्मीर जो है इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस, डॉक्टर जयशंकर जो है ना, ही हैज बिकम वॉइस एंड फेस ऑफ इंडियाज हिंदू नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी, और उनको यंग लोग बहुत सुनते हैं, बहुत ज्यादा उनको यंग लोग सुनते हैं, और यंग लोगों को उनके साथ मजा आता है क्योंकि वो एक तो वो इज़ अ प्रोग्रेसिव, दूसरे का वो कल्चर की बात कर रहे हैं, और कल्चर की वो इस सेंस में बात कर रहे हैं कि भाई सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम अपना हिंदू धर्म छोड़ दें, सेकुलरिज्म इसको ऐसे ना लिया जाए कि हम अपने कल्चर वैल्यूज़ को छोड़ दें। पर्टिकुलरली जो डॉक्टर जयशंकर ने रिसेंटली बुक लिखी है, ठीक है जी, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है,
और जिस अंदाज से वो सारी कहानी दुनिया को सुना रहे हैं, नए इंडिया की कहानी, बच्चों को कश्मीर के बारे में क्या बताते हैं स्कूल में आप या आपके टीचर? कश्मीर के बारे में तो क्या सिखाना है पहले बच्चों को, बेसिकली पाकिस्तानी होने के नाते जो उनके फराइज है वो तो हमने सिखाने ही है, ठीक है। तो ये तो बात की बातें आती हैं कि कश्मीर के बारे में, सुबह सुबह असेंबली में खड़े होकर कश्मीर के नारे, कश्मीर के नारे लगाना और ये चीजें करना तो बात की बात है ना। पहले बच्चों को अदब सिखाया जाता है, बच्चों को पहले तालीम सिखाई जाती है, ये बातें जो बच्चे ये चीजें सीख लेते हैं ये सेकेंडरी बातें आती हैं। कश्मीर वगैरह पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान तो ठीक से बन जाए तो फिर उसके बाद कश्मीर भी बन जाएगा। वो कह रहे हैं कि ये वो इंडिया नहीं है जो पहले हुआ करता था, ये नया इंडिया है, और वो नए इंडिया की कहानी सुना रहे हैं। और नए इंडिया में वो एक बात कर रहे हैं कि कश्मीर जो है वो हमारा है, पहले अपने आप को कर रहे हैं। उन लोगों का यही राइट है कि उन लोगों को बिल्कुल ही, जैसे भाई ने बात की है, तो उन लोगों को बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाए। वो लोग इस काबिल आएंगे जिस तरह मशरकी पाकिस्तान लहदा होकर हमसे आगे निकल गया, तो मगरबी पाकिस्तान भी जो है कश्मीर भी हमसे आगे निकल जाएगा। ताकि पाकिस्तान में खासतौर पर पंजाब में जो बिजली आ रही है मोस्टली कहाँ से आ रही है, कहाँ से डैम, कहाँ से मतलब बांध के आ रही है, कश्मीर से, ठीक है। तो और इसमें पाकिस्तानी जवाब नहीं देते, उनको खामोश हैं, वरना पहले पॉलिटिशियंस हुआ करते थे। मैं इस चीज़ को बड़ा कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ का सपोर्टर हूँ, प्रोपोनेंट हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो इतनी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है कि वो बात भी नहीं करती। वो कहते हैं ठीक है जो करता है उनको करने दो, हमें क्या, ये तो सारी बात है हमारा, इससे इन चीज़ों से क्या लेना देना। अपने पांव पे पाकिस्तान खुद को खड़ा नहीं हुआ तो दूसरों को बेसिक राइट कब से देना शुरू। इस टाइम पाकिस्तान में एजुकेशनल इमरजेंसी लगी है, मतलब 1 मिलियन से ज्यादा बच्चे जो उनसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूल से बाहर हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, हम यहाँ पे एजुकेशन नहीं पूरी दे पा रहे, कैसे? मैं समझता हूँ कि तालीम जो है ना इंसान का इतनी जरूरी है जितनी आपकी सेहत जरूरी है, जितना आपका रहना जरूरी है, ठीक है। तालीम के बगैर तो आप सोच नहीं सकते ना किसी इंसान को, एक मजदूर इंसान और एक जो है ना अनएजुकेटेड इंसान में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, तो एक तालीम जो है किसी भी बच्चे का एक बुनियादी हक है, ठीक है। अच्छा, उधर से एक स्टांस आया इंडिया साइड से, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जैसे हमने इंडिया साइड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, पहले दुनिया को या लोगों को लगता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हमने ये पॉसिबल करके दिखाया। अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर, जिसे वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उन्होंने बोला कि अब वो जल्द हम जो है वो हमारा हिस्सा है, हमारा हक है और वो हम उसे लेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि वो लोग कहते हैं कि पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हम लोग कहते हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। मैं तो इस, मेरी राय अगर मेरी राय ली जाए, मैं तो इस पे हूँ कि कश्मीर यूनाइटेड स्टेट ऑफ कश्मीर बनाया जाए। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट के पाकिस्तान किस कैसा पाकिस्तान, किस किस्म का पाकिस्तान, वो अगर वो कश्मीरी मिल भी जाते हैं तो उन पर वो राय ली जाए कि आप पाकिस्तान के शुमार होना चाहते हैं, इलाहाबाद होना चाहते हैं। मेरी नज़र में तो वो आते जो हैं वो चंद एक होंगे जो पाकिस्तान का नाम लेंगे, बाकी तो नहीं होना चाहेंगे। सही पकड़े हैं। सो डॉक्टर जय शंकर जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली इंडियन यूथ को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी जो रिसेंटली उनके आप इंटरव्यू देखें, डॉक्टर जय शंकर ने बड़े स्मार्टली इन अ कैलकुलेटेड वे, ठीक है जी, उन्होंने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हिंदू नेशनलिज्म के कवर के अंदर रख के रैप अप करके, रैप करके दुनिया को दी है और दुनिया ने वो ले ली है। लोगों को लार्जली ये नहीं पता चला कि डॉक्टर जय शंकर जो हैं वो ये एक इस तरह का, जिसे वो कहते हैं ना, एक 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 स्टाइल रखते हैं, कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर मैंने गोरों से बात करनी है या अपनों से बात करनी है तो मैंने कैसे करनी है। एक वक्त ऐसा है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ कश्मीर, कश्मीर वो एक अलग रियासत बन जाएगी, जहाँ से जो है आजाद कश्मीर, वहाँ से वो कश्मीर एक अलग रियासत हो जाएगी। नहीं, और अगर डेवलपमेंट जैसे वो लोग वहाँ पे कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, वहाँ पे इवन इस्लामिक कंट्रीज जाके इंडिया साइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा जैसे नजर आ रहा चीजें कि आने वाले टाइम में वहाँ के कश्मीरी ये कहने लगेंगे और कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे खुश हैं। वो तो चाइना भी पाकिस्तान में कर रहा है, ठीक है, वो तो सऊदीया भी कर रहा है इन्वेस्टमेंट, ये मेट्रो देख लें या ऑरेंज टाइम देख लें, वो तो ठीक है। लेकिन मुल्क जो है, तो हम कहेंगे यार कि जो
चाइनीज हैं, हम चाइनीज को तो वो ये नहीं कह सकते चाइनीज हमारा मुल्क है, या वो नहीं कह पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इस तरह वो कश्मीरी कहेंगे हमारा मुल्क है, इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आए इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान साइड पे तो अभी भी आवाजें उठती हैं, मैं वो ये कहते थे हम पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं लेकिन हम एक अलग रियासत है, अलग रियासत है, पाकिस्तान के साथ यही करेंगे अलग रियासत है पाकिस्तान के साथ, वो चंद चंद एक है। जब तक आप लोग अपने पाँव में खुद खड़े नहीं होंगे, जब आप लोग मकरूज है दूसरी कौमों के और आप जाके वहाँ पर कर्जे लेने हैं आपने, तो आपकी बात की अहमियत कश्मीर को लेके या इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानियों की आवाज या पाकिस्तानियों के स्टांस को कितना माना जा रहा है और इंडियंस के स्टांस को कितना माना जा रहा है? मेरे ख्याल से तो ऑफ कोर्स इंडियन के स्टांस को उतना अच्छा माना जा रहा है जितना पाकिस्तान को नहीं माना जा रहा है। पहली बात तो ये यहाँ पे पॉलिटिशियन ऐसी टेंशन है कि जिसको आगे नहीं ले जा पा रही। सबसे मेन मसला तो ये हो सकता है कि यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट 5 साल तक एक मुकर्रर महदूद अपनी पूरी नहीं कर पा रही मुद्दत, तो फिर वो एक कैसे एक रिदम ही नहीं कंटिन्यू रहती जिसको आगे कंटिन्यू कर सके। तौबा तौबा तौबा।